रेड कार, तुम्हारा रेड टॉप और आरविक का रेड बैग, सब कुछ मैचिंग मैचिंग है आज। तुम बात करो, मैं डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े अपने देख रहा हूँ फिटिंग रूम में, उस समय एक शॉप में, और मुझे यहाँ पे अंदर फिटिंग रूम में मोबाइल मिला है पड़ा हुआ, कोई शायद अपना ट्रायल कर रहा हूँ उस टाइम पर। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त सोनू। नमस्कार, मैं वंदना। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं आज बंडूरा DFO, यूनिहिल DFO है यहां पर। थोड़ी शॉपिंग के लिए इंडिया की तैयारी चल रही है, तो अभी बस थोड़े दिन रह गए जाने के लिए, तो चलिए आप सबको अंदर लेके चलते हैं। चलो जी, आइए। दोस्तों, ये है सारा पार्किंग का एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, और बहुत सारा जो इसका पार्किंग का एरिया है वो अंडरग्राउंड भी है। ये है इसकी एंट्री, दूसरी साइड से भी है, इधर से भी एंट्री है। चलिए हम लोग इधर वाली एंट्री से चल लेते हैं अंदर। इसकी अंडरग्राउंड में भी पूरी पार्किंग ही पार्किंग है। सभी सामान पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, सर्दियों का सीजन आ गया तो उसका पूरा नए नए स्टाइल, नए नए डिजाइन आ चुके हैं। थोड़ा सा बच्चों के लिए वंदना जी ने सामान ले लिया है, बहुत सारा अभी तो लेना है थोड़ा थोड़ा। वैसे तो इस बार शॉपिंग का ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन बच्चों को होता है कि कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। और आज हम दोनों स्पेशली आए हैं क्योंकि पिछली बार हम आरविक और विमान के साथ गए तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने दी, बहुत ज़्यादा तंग किया। आज मैं और वंदना जी आए ताकि हम लोग आराम से टाइम स्पेंड कर सकें, थोड़ा कुछ सामान वगैरह ले सकें। स्पेशली क्योंकि यहाँ सर्दियाँ हैं, वहाँ गर्मियाँ हैं, तो सबसे ज़रूरी है गर्मियों के कपड़े ढूंढने तो हम फटाफट थोड़ा सा कुछ और ले लेते हैं। तुम बात करो, मैं डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े अपने देख रहा हूँ फिटिंग रूम में, उस समय एक शॉप में, और मुझे यहाँ पे अंदर फिटिंग रूम में मोबाइल मिला है पड़ा हुआ, कोई शायद अपना ट्रायल कर रहा हूँ उस टाइम पर रह गया है। सैमसंग का है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लास्ट डायल में फ़ोन करता हूँ उनको, बोलता हूँ कि भाई आपका फ़ोन यहाँ पे रह गया, जो भी हो यहाँ से पिक कर लेना। तो देखते हैं लास्ट डायल में कौन बात करता है। चलिए, कोई जेम्स करके है, जेम्स को मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ कि आपके फ्रेंड का फ़ोन इस शॉप में गिरा हुआ है और मैं इसको स्टोर में दे रहा हूँ। शॉप कॉल्ड कॉनर इन यूनिहिल बंडूरा। इस यूनिहिल बंडूरा। ओह या, इज दैट ओके विद यू? या, दैट्स ओके। नाइस। तो रिवर्स की शॉप है, इसमें बड़ा अच्छा अच्छा सामान लगा हुआ है। मेरे को वैसे एक ये जूता मेरे को बहुत अच्छा लगा है, थिंक शूज बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम्हारे लिए लगा है, अपने लिए नहीं। आई नो, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने स्केचर के ऑलरेडी पहने हुए थे, मुझे ये अच्छा लगा। चलो ये लेना। मैं तो अभी से थक गया हूँ, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, अभी एक दो जगह और जाना है यहाँ के अलावा, दूसरी शॉप में भी, मतलब दूसरे शॉपिंग स्टोर पर, फिर वहाँ से भी कुछ लेना है। ये वंदना जी अपनी चली फेवरेट शॉप में, बेड बाथ एंड टेबल। तो इंडिया के लिए ले जाना कुछ, ये इंडिया के लिए सामान है, पहले वहाँ देख लो। देखो कितना अच्छा लगा हुआ है, फ्रेंड्स देखो भैया कितना अच्छा लगा हुआ है, तो आप देख लेना जब भी आपके पास टाइम हो, तो मुझे नहीं देखने देना। आज दोस्तों हम लोग इसलिए जानबूझकर वीकडेज में आए क्योंकि क्वाइट है, कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा नहीं, तो नाइकी पे बाहर तक लाइन लगी होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ लाइन नहीं है, सरप्राइज सरप्राइज। तो बड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो एसिक्स से आए अब आगे नाइकी में, और आज नाइकी खाली पड़ा है बिकॉज ऑफ वीकडेज, और अभी भी कोई खास सेल नहीं है नाइकी में, सब कुछ बहुत महंगा है नाइकी में। लाइन क्यों नहीं लगी हुई है, कोई खास सेल है ही नहीं, पर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से, कुछ ना कुछ देख लेते हैं। अच्छी लगी, आई लव ऑस्ट्रेलिया। मैंने थोड़ी सी बर्थडे की शॉपिंग की है, ये शॉपिंग मैंने इसलिए की है कि मेरी भतीजी माही वो कोविड में बोर्न हुई थी, कोविड टाइम में, तो वो अभी 2 साल की हो गई, मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है, तो हम लोग एक्साइटेड हैं उससे पहली बार मिलने के लिए, और उसके बर्थडे की डेकोरेशन शायद मैं ही करूँगी, तो ये मैंने शॉपिंग की है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ का काम तो हो गया,
वरना जी ने काफी सारी कर ली है। sure अभी चलते हैं दूसरी जगह पे नॉर्थलैंड, वहाँ से भी थोड़ा सा और कर लेते हैं फटाफट शॉपिंग। अभी हम आ गए दूसरे शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पर चलते हैं। कहाँ गई पीछे को? तो अब यहाँ से बचा कुछ थोड़ा सामान है, वो बचा यहां से नहीं है, मेरे मेकअप का सामान यहीं पर है। थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं क्विकली। सर तो कुछ सामान केमार्ट से लेंगे, कुछ टारगेट से लेंगे। नाइस प्लांट्स इन द शॉपिंग सेंटर, ब्यूटीफुल। तो जी टारगेट से भी सामान लिया दोस्तों, ये लिया है हमने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा अच्छा है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, किंग साइज़ का है और पूरा जिस हिसाब से यहाँ पे सर्दियाँ हो रही हैं उसलिए बहुत ही अच्छा रहेगा बेड पे नीचे बिछाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अरविंद को स्पाइडरमैन पसंद है, तो मैं उसके लिए ये वाला देख रहा हूँ बैग। हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं ये वाला और ये ऐसी टाइप का। अब देखते हैं कितना प्राइस है, क्या है इसका। अभी वैसे इन्होंने बोला तो है कि 105 का प्राइस है, बट लेट्स सी कुछ और डिस्काउंट लगाया नहीं लगा इस पर। अच्छा बैग है। तो फाइनली आरविक के लिए स्पाइडरमैन वाला बैग भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से लेती हूँ मेकअप का सामान। इट्स वेरी गुड शॉप, सफोरा शॉप का नाम है। दिस इज द शॉप। सोनू जी दूसरी तरफ है, तो ये H&M पर मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। बहुत बड़ी शॉप है ये, तो यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज जेंट्स सब के लिए सब कुछ है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। किड्स का पूरा सेक्शन। तो मुझे आरविक के लिए कुछ देखना है और वहाँ बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा मिलता है, तो मतलब अच्छा तो सभी कुछ है, कुछ मेरे यूज का मिलता है जो मुझे आरविक के लिए चाहिए। कितने क्यूट हैं बच्चों के शूज, कितनी सारी वैरायटीज हैं बच्चों के शूज की, कितने प्यारे क्लॉथ्स हैं न्यू बॉर्न बेबीज के। उधर है मेंस का देख सकते हैं आप, और बाहर सबसे बड़ा एरिया लेडीज के कपड़ों का है। मैंने आरविक के लिए लिया पैनकेक, उसे बहुत पसंद है। ये रहा पैनकेक, दो लिए आरविक और एक विवान, क्योंकि विवान का फेवरेट है। जब विवान छोटा था और हम इस एरिया में रहते थे तो मोस्टली वो पैनकेक खाता था, तो मैंने विवान के लिए भी लिया है। तो फ्रेंड्स आज की शॉपिंग हो गई है डन, इधर से घूम जाते हैं भाई। नहीं धूप बहुत अच्छी लग रही है, धूप अच्छी हो रखी है आज। तो देखिए आरविक के लिए भी सामान ले लिया है, विवान का खाना हो गया है, सब हो गया है, और बाकी सामान पीछे रखा है बूट में। तो वो ऑल हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ मतलब पूरा लॉन्ग डे हो गया बहुत ज्यादा। अभी दो जगह और जाना था ऑफिस वर्क और हावे नॉर्मल कुछ सामान लेने के लिए, बट अभी हिम्मत नहीं है और लेट भी हो रहा है। और हाँ विवान अकेला घर पे इंतजार भी करोगा, स्कूल से आ गया होगा, तो बेटर है कि हम लोग घर चले आते हैं। ठीक है जी, यही ठीक है। आज ना ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कॉलेज के बाद ना। आप सिंकारा पे, सिंकारा काम के बोझ का मारा आपको चाहिए, सिंकारा सिंकारा पे एनर्जेटिक हो जाओगी। मेरे को देखो ऑलवेज एनर्जेटिक रहता हूँ। जो फ्रेंड्स हमारे इंडिया से देख रहे हैं जल्दी मिलते हैं आप लोगों से इंडिया आके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू सून गाइस।